सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और मैं 15 साल की हूँ। मुझे किलोइड्स की प्रॉब्लम थी। मैंने लोकल सुनार से कान बिंदवाए थे काफ़ी टाइम पहले, लगभग 4 साल पहले। तो मुझे किलोइड्स बनना स्टार्ट हो गए थे लगभग कान बिंदवाने के 1-2 महीने के बाद, और फिर उसके बाद ये 2-3 साल तक धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो वहाँ पे जो किलोइड्स थे ना, वहाँ पे एक कान पे हुआ था पहले, फिर कुछ टाइम बाद सेकेंड कान पे भी बनने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद हम लोकल जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे मीट करा हमने, तो उन्होंने कहा कि 18+ के बाद इसकी कोई सर्जरी या ऑपरेशन होगी। तो उसके बाद हमने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम हमारे नानी जी के आए हुए थे रिलेटिव्स के रक्षाबंधन पे, तभी उन्होंने हमें सजेस्ट किया था। उन्होंने हमारे ईयर्स को देखा, तभी उन्होंने कहा कि यहाँ पे मयूम सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पे। तो उसी दिन हम यहाँ पे आ गए थे और डॉक्टर मनीष सर ने हमें देख के बताया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ये नॉर्मली है और अच्छे से ठीक भी हो जाते हैं। और इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि लेज़र ऑपरेशन काफ़ी बढ़िया रहता है और इसमें कोई भी जो मार्क्स हैं वो नहीं रहेंगे कान पे। और इन्होंने कहा कि जितनी जल्दी करवा लोगे आप उतना बेस्ट रहेगा। इसलिए हमने उसी दिन सर को कह दिया कि हमारे ऑपरेशन या सर्जरी वो करवाना है। तो उसी टाइम हमारा चेकअप हुआ था, ब्लड टेस्ट हुए थे और 2 या 3 घंटे में हमारा जो सर्जरी थी वो हो चुकी थी। उसके बाद हम यहाँ पे 1 दिन के लिए एडमिट भी रहे थे और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सर्विस है और जो स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली था बिल्कुल। और जो यहाँ पे ओवरनाइट जो ड्यूटी थी वो भी बढ़िया थी। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो वो स्टाफ आपको हेल्प करते हैं और खाना भी काफ़ी बढ़िया था यहाँ पे। टाइम टू टाइम आपको डाइट देते रहते हैं और ड्रिंक्स वगैरह भी मिलती हैं ओवरऑल। उसके बाद में जो सर्जरी थी वो कंप्लीट होने के बाद स्टिचेस अभी रिमूव हुए हैं आफ्टर 2 वीक्स, और स्टिचेस में इतना पेन नहीं हुआ था, काफ़ी इजीली सर ने रिमूव करे थे। उसके बाद इंजेक्शन लगा था तो इंजेक्शन में भी इतना पेन नहीं हुआ, उन्होंने बात करते करते इंजेक्शन भी लगवा दिया था। और उसके बाद मुझे 1 मंथ के बाद दोबारा से इंजेक्शन लगेगा। अप्रोक्स मुझे 5-6 मंथ्स ये इंजेक्शन रेगुलर लगेंगे ताकि किलोट्स दोबारा ना बने। और डॉक्टर मनीष सर ने ये सजेस्ट किया था कि अगर आप इंजेक्शन लगवाओगे तो अगर आप दोबारा भी कान बिंदवाते हो तो वो दोबारा से किलोट्स नहीं बनेंगी। तो उनकी जो आगे की फ्यूचर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी और यूज़फुल है। उसके बाद जो डॉक्टर मनीष सर काफ़ी अच्छे हैं, उनका नेचर काफ़ी फ्रेंडली है, उन्होंने अच्छे से बात करी, टाइम टू टाइम उन्होंने चेक भी करा और सर्जरी के बाद भी उन्होंने अच्छे से मीट करा, अच्छे से पूछा। और उसके बाद जब स्टिचेस ओपन हुए थे उन्होंने खुद देखा था और काफ़ी टाइम हमने उनके साथ मीटिंग हुई, तो टाइम टू टाइम हम उनसे मिलते रहे। और काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटल है और काफ़ी अच्छे यहाँ पर ट्रीटमेंट हुई और डॉक्टर मनीष सर भी काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू।